हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हम रिएक्शन दे रहे हैं ट्रिगर इंसान की वीडियो पे, जिसपे वो स्टोरी टाइम है मगर वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना। इट वॉज ये स्टोरी टाइम हॉरर स्टोरी टाइम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप भी चलो हमारे साथ इंजॉय करो, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। खबरे हुई तो बोलते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है। इस एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक किसी के साथ भी हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, पता नहीं क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं। नहीं, वो तो हमने कभी देखी ही नहीं। कोई बात नहीं, आज करने लगेंगे। अरे कितनी वीडियो में तो इसीलिए तो बोला है कि भूत कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होता। फिर वापस अब बोल रहे भूत पे विश्वास करो। करे कि ना करे, बधाई हो भाई, ऐसे बोलकर तो बहुत कूल बन गए आप। बट आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। ये सिर्फ एक स्टोरी है जो मुझे सुनाई गई, तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। धन्यवाद। सो हाय, आई एम मौसमी। हाय, आई एम एना। मौसमी एंड एना, वेलकम टू ट्रिगर्ड इंसान हॉरर स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की मौसमी और एना और उनकी मम्मी की। तो ये बात है 1985 की, जब मम्मी जी की नानी यानी कि मौसमी और एना की पर नानी एक्सपायर हो गई थी। पर नानी की डेथ हो गई थी, तो उनका जैसे बोलते हैं 13वीं के टाइम पे जाते हैं, तो वैसे जा रहे थे। अब मौसमी की मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी एंड उनकी छोटी बहन यानी कि मौसी जी 5 साल की थी। एंड पूरी फैमिली नानी की 13वीं के बाद वापस आ रही थी, लेकिन जिस रास्ते से वो वापस आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ खाली जमीन थी एंड बिजली तो उस वक्त कहाँ ही होती होगी, 1985 का टाइम था और शाम का। 1985 में क्यों नहीं होती होगी बिजली? वही बिजली तो थी, लेकिन वो रूरल एरिया था, वो बैकवर्ड एरिया था, शायद वहाँ थोड़ी मतलब इतना इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, थोड़ा सा यूसेज थोड़ी कम होगी कि रोड्स वगैरह पे नहीं होगी, मगर हाउसेस में 85 में आ गई थी बिजलियाँ। वक्त हो रहा था तो अंधेरा होने लग गया था। अब मम्मी जी और मौसी तो बच्चे थे, और बच्चे वो होता है ना अपनी फैमिली के आगे आगे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको क्या लेना देना है कि नानी एक्सपायर हो गई है। तो बच्चे हैं, बच्चों वाले काम कर रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन तभी मम्मी जी को वहां पे कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ। रास्ते में ना थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, जैसे पेड़ टूट रहा है, ऐसा कुछ ना, ऐसा और नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। उनको ऐसा लगा कि यार मुझे डर लग रहा है, जैसे बच्चों को ऐसा सेंस हो जाता। लेकिन फिर भी मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 10 वैसे 10 साल के, वैसे सब कुछ, लेकिन नेगेटिव चीजें सेंस हो गई थी उसे। सिलेबस नहीं पता होगा से क्या क्या पढ़ाए थे पूरी उसमें लाइफ में। अरे वो चीज छोड़ो, अभी इसने बोला कि वो बच्चे थे आगे भाग रहे थे, उन्हें कोई समझ नहीं साल की थी तो... ये चीज की समझ थी कि उनको नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। नेगेटिव वाइब्स वगैरह इन सब के बारे में कहां ही सोचते हैं बच्चे। तो मौसी का हाथ पकड़ के खेलते खेलते मम्मी जी आगे चलती रही, लेकिन अब वो अपनी फैमिली से खेलते खेलते काफी ज्यादा दूर निकल आए। अब मम्मी जी ने मौसी का हाथ तो पकड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें अचानक से ऐसा फील होने लगा कि कोई उनसे उनकी बहन का हाथ छुड़वा के उनकी बहन को अपनी तरफ खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो जैसे मम्मी ऐसे खड़ी थी, मतलब ऐसे खेल रही थी, मेरी मौसी को पकड़ी हुई थी मम्मी, जैसे ऐसे हाथ पकड़ लेते ना बच्चों के, ऐसे चल रही है, मेरी मौसी का हाथ अचानक से छूट जाता है, ठीक है, और मम्मी को पता नहीं लगता कि मेरे हाथ से जा रहा है वो चीज। तो मम्मी बोल रही है कैसे हो रहा है, लेकिन उन्होंने पकड़ रखा था इतनी तेज से, और लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से कोई लेके जा रहा है, मेरी मौसी पकड़ मेरी बहन को पकड़ के लेके जा रहा है। अब पहले तो मम्मी जी ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो साथ साथ बहन के अपने चलती रही, लेकिन 5-10 सेकंड के बाद उनको रियलाइज हुआ कि शायद सच में कोई है, कोई खींच रहा था उनको। हाँ हाँ, मेरी मौसी को मतलब लेके जा रहा है आगे आगे, वो देख पा रही कि मेरी मौसी आगे जा रही, ठीक है। अब मम्मी ने देखा कि साथ में कोई है, एक व्हाइट कलर की साड़ी में, बिना सर बिना पैर की एक फिगर मौसी का हाथ पकड़े हुए वहां पे खड़ी थी। मम्मी ने बोला कि यार की साड़ी में ही आता है यह पूरा व्हाइट क्यों, ये कलरलेस है क्या, लगे भूत मतलब व्हाइट कलर की साड़ी। अरे व्हाइट कलर की साड़ी थोड़ा आप कह रहे हो, धूल धोनी कुछ हो रही, जैसे आप मूवीज में दिखा रहे हैं व्हाइट कलर की साड़ी। तो मैंने उसके नीचे देखा, पैर नहीं थे, और जब ऊपर देखा तो सिर भी नहीं था। और जब मैं पहली बार ही सुना, मैंने यार ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो, बस एक व्हाइट कलर की साड़ी बिना सर बिना पैर की खींच के लेके जा रही है। मम्मी खड़ी रह गई, दंग रह गई एकदम, जैसे होता शॉक्ड, और वो बिल्कुल ऐसे शिविर करने लगी, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है।
और लिटरली मेरे भी हाथ कांप रहे हुए थे बोलते वक्त भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनने में बहुत ज्यादा फिल्मी लगता है ना, सफेद साड़ी में बिना सर बिना पैर वाली एक भूतनी मौसी का हाथ पकड़ के मौसी को खींचते हुए लेके जा रही है, एंड मम्मी जी वहां पे एकदम स्टंड, शी वाज स्टंड, क्योंकि एक 10 साल की बच्ची उसके सामने भूत है, तो उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो सफेद साड़ी वाली भूतनी सामने एक तालाब था, मौसी का हाथ पकड़ के उनको तालाब के अंदर लेके जा रही थी। धीरे 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 मौसी डूबते जा रही थी, लेकिन मम्मी जी वो सदमे में थी क्योंकि उन्होंने भूत देख लिया था फॉर रियल। वो धीरे धीरे मेरी मौसी को लेके पानी में, अब मौसी उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, एंड 5 साल के बच्चों की हाइट कितनी होती है, तो धीरे धीरे मौसी जैसे पानी में जा रही थी, पहले पानी उनके पैरों तक, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, एंड फाइनली कंधे तक जब पानी पहुंचा तभी फिर मेरी नानी आई पीछे से दौड़ के, उन्होंने बोला कि तेरी बहन कहाँ है, लाइक बंगाली में बोला कि तोर बोन को था लाइक ऐसे करके। ओके तो मम्मी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्या हुआ क्या हुआ, वो समझने में लग गई कि मेरे साथ जनरली हुआ क्या है, मतलब कौन लेके जा रहा है, सिर नहीं है, बिना सिर के एक नॉर्मल बच्चा अगर देखेगा तो उसको कैसे लगेगा। तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, वो शुरू कर रही है, मम्मी बोल, मेरी नानी बोल रही है कि क्या हुआ है तुझे, क्यों नहीं बोल रही, कहाँ है तेरी बहन, बोल इतनी रात हो गई, कहाँ गई वो अकेले, इतनी छोटी सी, उनको टेंशन होने लगी। फिर इन्होंने ऐसा बोला मम्मी ने सामने, ठीक है, तो मेरी नानी ने देखा सामने, तो मैंने कहाँ है बहन कहाँ है, बड़े वो रही। तो मम्मी जी ने जब उंगली पॉइंट करी पानी की तरफ, नानी जी ने देखा तो उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उनकी डूबती हुई बेटी दिखी, एंड वो भाग के गई, एंड उन्होंने अपनी बेटी को निकाला, लेकिन उनको वो सफेद साड़ी वाली बिना सर वाली बिना पैर वाली वो पानी आया कहाँ से, वो खेलते खेलते रोड पे खेल रही है, रोड पे खेलते खेलते पानी भी आ गया, और पानी साफ नहीं है, पानी उसको इतनी दूर लेके भी चली गई वो सफेद हुआ, और वो खड़ी हुई है और मम्मी देख रही है कि हाँ भाई वो जा रही है, है? अच्छी बात है ये है, मतलब इतने एक्टिव बच्चे होते हैं तो बच्चे तो चिल्लाते हैं, अरे तू कहाँ जा रही है, अरे तू इधर आ जा इधर आ जा, वो खड़ी हुई है। ये कुकू एफएम पे हुआ। सबसे अजीब बात वहां की ये थी कि वो भूत सिर्फ मम्मी को दिख रही थी और किसी को नहीं, और मम्मी देख पा रही थी कि उसके साथ वो खड़ी है, लेकिन पूरी फैमिली को नहीं पता है कि उसके साथ कोई है, बस पूरी फैमिली को ये लग रहा है कि मेरी मौसी ऐसे खेलते खेलते चली गई पानी में, बट मम्मी देख पा रही है कि वो लेके जा रही है, और जब मेरी नानी दौड़ के गई तो वो गायब हो गई वहां से, के बाद फिर आपकी मौसी को भी नहीं दिखी थी वो, नहीं मौसी को भी नहीं दिखी थी, मौसी को लगा कि मेरी दीदी लेके जा रही है, मौसी हाथ पकड़ के जा रही है उसकी, है मौसी पानी के अंदर जा रही है, उसे नहीं पता 5 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को इतना नहीं पता होता कि पानी क्या होती है। इंसिडेंट के बाद जब पूरी फैमिली घर पे आई तो मम्मी जी बीमार हो गई, एक महीने तक वो कुछ बोल नहीं पाई, उनको बुखार रहा, मतलब बहुत डॉक्टर्स वगैरह भी दिखाया था, मम्मी ठीक नहीं हुई। उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करवाया गया घर में, एंड पूरा एक महीना लग गया मम्मी जी को वापस ठीक होने में। अब मौसमी और आना ने अपनी मम्मी जी की स्टोरी तो हमें सुनाई, लेकिन इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या वो घर पर है, उन्होंने बोला हाँ है। मैंने पूछा कि क्या वो वीडियो में आना चाहेंगी, तो मम्मी जी खुशी खुशी आई, एंड हियर इज व्हाट शी सेड। आपने एग्जैक्टली देखा गया था वैसे, मैं व्हाइट व्हाइट साड़ी पहन के और पूरा सिर नहीं उनके और पैर भी नहीं देखी, मैं तो खाली सीधा देखते रही उनको, जो उनका है ना जैसे सफेद साड़ी पहन के बॉडी बॉडी देखा, और ऐसे अभी तक तो डर लगते वो, मतलब अभी तक तो याद आते हैं जाना है आपको नहीं और वो आपकी बहन को ऐसा लेके जा रही थी आपके सामने, एंड आप ऐसे शॉक में थे कि हो क्या रहा है, ये डरा वाली था बहुत। फिर एक महीना तक मैं तो बात भी नहीं कर पाई किसी के साथ। मौसमी और आना की मम्मी के लिए वो इंसिडेंट कितना स्केरी रहा होगा ना, दैट आई कुड फील उनसे बात करते हुए भी, मतलब मुझे पता चल रहा था कि उनको कहीं ना कहीं आज भी उस जगह से डर लगता है, एंड इतना डर लगता है कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे जो हैं वो उस जगह पे कभी जाएं, लेकिन फिर भी गए वो। तो हम लोग लास्ट जब 2 साल पहले गए थे गाँव, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो मेरे मामा लेके गए थे उस जगह पे, ऐसा जगह था लेकिन वहाँ पे अभी भी इतना घर वर नहीं बना, वहाँ पर अभी भी दूर दूर है, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो जब आप उस जगह पे गए थे आपको फील हुई थी ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी इस टाइप? वहाँ पे ना थोड़ा सा ना सुनसान जगह है, तो वहाँ से तो आराम से इजीली फील हो जाएगा, वहाँ पे कुछ लोग वर्कर्स भी थे लाइक जो खेती बाड़ी करते थोड़ा बहुत, तो वो लोग भी ज्यादा रात के टाइम भी नहीं आते वहाँ पे, और अगर देखा होगा आपने वो जो पेड़ पे हम लोग बैठे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि इसी पेड़ पे भी है, तो हम लोग तो तुरंत उतर गए, उतर गए, मतलब 2-3 फोटोज क्लिक करी थी हमने, हमें लिटरली नहीं पता था कि उस पेड़ पे कुछ हो सकता है। फोटोज लेने के बाद फोटोज ले लिया हमने, उसके बाद जो साइड के वर्कर्स थे उन्होंने बोला कि इसमें प्लीज पिक्स मत लेना, मैं बोला क्यों,
बोलते नहीं इसमें भी है कुछ। एंड ये जो जगह अभी आप देख रहे हो इन फोटोज में, इसकी एक और बात है जो मुझे बाद में पता चली, और वो ये है कि इसके आसपास शमशान घाट भी है। तो नो वंडर कि क्यों ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी है, एंड क्यों मौसमी और आना की मम्मी नहीं चाहती कि वो इस जगह के आसपास भी कहीं जाए। और फोटोज खिंचवाने के बाद उनको उनकी मम्मी ने बहुत डांटा है, क्योंकि बच्चों जब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक जगह से दूर रहना चाहिए उसका कोई रीजन होता है, समझो। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। सो गाइस, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। मगर ऐसे कुछ सीन्स, ऐसे जैसे नेगेटिव वाइब्स या ये कुछ ना होता नहीं है मेरे हिसाब से, बट ठीक है, उस टाइम जो था क्या नहीं था पता नहीं। अब आप लोग भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, बेल आइकन को ऑन करें। ये क्या?